नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन महामाया फ्लाईओवर पे उन्हें रोक दिया गया। किसानों ने साफ कहा कि वो संसद का घेराव करेंगे। किसान मुआवजा, नौकरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पे कड़ा पहरा है और चिल्ला बॉर्डर पे जाम के हालात हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। सभी किसान महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठा कर दिल्ली बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक जगह जगह ट्रैफिक जाम है। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी से ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया है। देखिए किसान किस तरीके से महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर किसान देखे जा सकते हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। और जिस तरीके से कहना है कि संसद भवन का आज घेराव किया जाएगा, हालांकि भारी संख्या में यहां पर किसान जो है, जिनमें महिला से लेकर बुजुर्ग शामिल है, और कहीं ना कहीं लगातार जो उनका मांगे हैं, लगातार जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से साफ तौर पर उनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार घेराव करेंगे। देखिए महिला यहां पर शामिल है, महिलाओं से बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं किसान। अपनी जमीन मांग रहे, अपना हक मांग रहे। हमारी सब जमीन आरटीपीसी में गई, हमारे बच्चे रोड पर बैठे हैं, हमको घर नहीं, झोपड़ी भी उबी गिरा दी। हम कहां जाएंगे, कहां अपने बच्चे न रखेंगे। महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच चुके हो, क्या लग रहा है? हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, नहीं दिल्ली कूच करेंगे। क्या लग रहा है, जा पाओगे आप? हाँ, हम जा पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रसादन की हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये देखिए किस तरीके से महिला बुजुर्ग जो यहाँ पर शामिल है और अग्रेसिव है, और कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, कूच करेंगे। और लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर, देखिए पुलिस बल यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है। आगे की तरफ जो है महामाया फ्लाईओवर से आगे की तरफ लगातार जो किसान है वो बढ़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें और दिखा दूं किस तरीके से जो किसान है, महिला है, बुजुर्ग है, वो कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पुलिस के अधिकारी तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी बाकायदा यहाँ पर लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान जो है वो नहीं मान रहे। उनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे कूच करेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश की जा रही है, पुलिस के अधिकारी लगातार समझा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन है, विभिन्न संगठन जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के लगभग किसान अपना अधिकार मांग रहा है। हमारी जो भूमि गई थी उसका एक टुकड़ा था 10% हिस्सा, किसान उसे मांग रहा है, कोई खैरात नहीं मांग रहा किसी से। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, शासन प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारा बकाया है हम उसको मांग रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन और माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, किसी के भी कानों पर जू नहीं रेंग रही है, किसानों के हित के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा, जमकर अपनी मांगों को लेकर जो किसान है वो कहीं ना कहीं लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि महामाया फ्लाईओवर पर है, फ्लाईओवर से आगे कूच करेंगे, और जिस तरीके से देखने वाली ये बात होगी कि ये किसान कूच कर पाएंगे या नहीं। जर्नलिस्ट अनीस के साथ न्यूज वन इंडिया नोएडा। देखिए और निशांत हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अभी किस तरह के हालात है, चूंकि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे जुटे हैं इस वक्त? निशांत आवाज मिल रही है? अभी शायद आवाज मेरी निशांत तक नहीं पहुंच पा रही, आप फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और विस्तार से वो बताएं। हालांकि हर तस्वीर दिखाई इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई कि पुलिस के क्या क्या बंदोबस्त है, किसान कितनी बड़ी संख्या में है, और इसके चलते चूंकि जाम की जो समस्या है वो कई जगह उत्पन्न हो चुकी है, खासकर नोएडा में कालिंदी कुंज के आसपास, महामाया फ्लाईओवर के आसपास यहाँ पे लंबा जाम है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है। तो दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने किसी तरह यहाँ से रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। महामाया फ्लाईओवर पे किसानों को रोका गया है बैरिकेटिंग करके, जगह जगह इस तरह के बंदोबस्त किए गए ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। खासकर फिर चाहे महामाया फ्लाईओवर हो, कालिंदी कुंज हो, चिल्ला बॉर्डर, ये वो इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं लेकिन किसी तरीके से प्रशासन उनको रोक रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है उनको रोक पाना, चूंकि बड़ी संख्या में
किसान यहां इकट्ठा हुए हैं। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई गांवों के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, मुआवजे को लेकर। और निशांत हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, अभी किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान हैं, पुलिस प्रशासन रोक रहा है, जाम की समस्या कई जगह है। पर हम मौजूद हैं और महामाया फ्लाईओवर से जो किसान है वो आगे बढ़े हैं और देखिए जो बैरिकेटिंग करने के बाद बाकायदा निशांत आवाज अभी मेरे तक नहीं आपकी पहुंच पा रही, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे थे कि महामाया फ्लाईओवर से किसान आगे निकल चुके हैं, तो जाहिर है अब जैसे जैसे किसान आगे बढ़ेंगे प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जाएगी। तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं किसान। तो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इसी में शामिल होने के लिए पूनम पंडित भी पहुंची, जहां न्यूज वन इंडिया ने उनसे बात की। क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। संख्या में किसान जो है लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि महामाया फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पूनम पंडित है। मैडम, किस तरीके से जो आज दिल्ली की तरफ आप बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हम जब जाएंगे तो पूरा देश देखेगा ना, लेकिन अभी आप उधर जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए। मैं निवेदन करती हूँ आपके कैमरामैन भाई से, देखिए पुलिस ने खुद जाम लगाया हुआ और बदनाम कर रही है किसानों को कि किसानों ने लगाया। आप इधर कैमरा देखिए, किसान इधर बैठे हुए सारे के सारे शांति से अपना धरना दे रहे हैं। 5% 10% का जो मामला ये चल रहा है, ये काफी दिन से धरना चल रहा है, प्रशासन कोई समाधान निकाल रहा। अथॉरिटी वालों की जो गुंडागर्दी यहाँ देखने को मिल रही है वो पूरा देश जानता है। आज ये पहली बार नया नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि 64% वालों को देंगे। अरे जमीन तो सभी किसानों की गई है ना यहाँ पर, और 144 धारा लगा देते हैं ये इनसे हमसे ज्यादा। तो ये सामने देखिए आप, ये लोगों ने जाम लगा रखा है, इनको आप क्या कहोगे? जब देश के मुद्दों की, किसानों के मुद्दों की बात आती है, ये वहीं पे धारा 144 लगा देते हैं। अभी किसी बड़े नेता की रैली होने लग जाए सरकार के, तब तो ये जाम नहीं लगाते, तब तो 144 नहीं लगाते। तो ये जनता पे ही लागू होगी क्या 144? लोकतंत्र में है, हम अपनी बात कैसे कहेंगे? ये देश लोकतंत्र है, अभी संविधान की व्यवस्था देश में है, तो ये बताएंगे कि देश का किसान क्या करे क्या नहीं करे? बॉर्डर बंद कर दिए हैं पुलिस ने, पुलिस का कहना कि आगे बढ़ने नहीं देंगे किसानों को। देखिए इस बात को मत कहिए, जब देश का किसान ठानता है तो बॉर्डर पे बैठा था, आपने देखा था पूरे के पूरे बॉर्डर देश का किसान जाम करने का काम करेगा। और इस चीज को आप ये मत देखिएगा, 13 महीने जब आंदोलन चला, जब भी इनका रवैया ऐसा था, किसानों पे डंडे चला रहे, गोलियां चला रहे, फुहारे लगवा रहे, आंसू गैस के गोले चल रहे, लेकिन फिर भी किसानों ने 13 महीना आंदोलन किया ना, तो वही होगा। इनसे कहिए शांति से समर्थन करें, सरकार से हमारी मांगे हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है किसानों के लिए ये उसको पूरा करें, हमारा उसमें सहयोग करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति जितना यहाँ खड़ा हमारे टैक्स से यहाँ तनख्वाह लेता है, ये बात इनको समझनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, ये थी पूनम पंडित जो जिनका साफ कहना बड़े ही आक्रोश में है, और उनका साफ कहना है कि जो पुलिस बल है वो बाकायदा गाड़ी को रुकवा कर खुद रोड पर जाम लगवा रही है, और कहीं ना कहीं रूट डायवर्ट की बात जो कही जा रही है, एक नोएडा पुलिस के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस मामले को जो जिस तरीके से देखा जाए कि रोड डायवर्ट के नाम पर ट्रैफिक लगवा रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि लगातार जो है ट्रैफिक यहाँ पर जाम लग रहा है, पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं बाकायदा ये रोड पर, और यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो है अब धीरे धीरे जो किसान हैं वो आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, बाकायदा कोई भी हमें रोकने वाला नहीं है, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से पुलिस व्यवस्था रहती है, या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। विजय अनीश के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा।